लंघे दिन तो एक विवाद पख्या होया कि विरसा सिंह बलटोहा के खिलाफ परचा दर्ज हो सकता है कि लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हुण परचा दर्ज होना अपने आप एक बहुत वड्डी गल है, मतलब एहो जी सिचुएशन दे विच जदों सिचुएशन पखी हुई है बनी हुई है लीगल टर्म्स के उत्ते कार्रवाई जिहड़ी किस तरह की होंदी है ये तो कानूनी पद्धर के उत्ते जदे जे कुछ हुंदा है तां पता लगेगा, पर अचानक कह देना कि परचा दर्ज होवेगा कि नहीं होवेगा अपने आप दे विच हैरानी की गल है। पर दूजे पासे विचार आने जरूर शुरू होए और उन्होंने विचारों के सीधे तौर के उत्ते कहा जाण लग गया कि भाई विरसा सिंह बलटोहा के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, परचा तक दर्ज होने की गल्लां शुरू हो गई। पर इत्थे आ के सवाल खड़ा हुंदा है कि आखिरकार इहदे पिछे कारण की है, क्यों ये चर्चावां शुरू हुई। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर लीडर जिन्हां दे विच सुखजिंदर रंधावा साबका उप मुख्यमंत्री भी शामिल ने और गुरजीत औजला भी शामिल ने, गुरजीत औजला कांग्रेस के सीनियर लीडर ने, एम पी ने, वह भी शामिल। इहो जी सिचुएशन दे विच जिथे विवाद भखिया पिया उत्थे ही ये लिखती चिट्ठियां जिहड़ियां ने उह भेजिया गई ने। सुखजिंदर रंधावा ने डी जी पी गौरव यादव नूं लिखती चिट्ठी भेजी है और कहा है कि संवेदनशील मामला है जिहदे विच जिक्र किया गया कि किवें इल्जाम ने कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे उत्ते जाति सूचक टिप्पणियां हुई ने, उन्होंने परिवार को थ्रैट वो बारे उन्होंने जानकारी सांझी की, यानी कि पूरे मामले में जरा विस्थारपूर्वक डी जी पी गौरव यादव के अगे रखिया और इस उत्ते बनती दर्जा बदर्जा जी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए है, इसकी मांग की गई। उन्होंने साफ तौर के उत्ते इस चिट्ठी के डी जी पी गौरव यादव तो कार्रवाई होने की मांग जी वो की, और नाल दी नाल ही गुरजीत औजला ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया लिखती तौर के उत्ते, उन्होंने चिट्ठी जी भेजी है और इस मामले संबंधी पंजाब सरकार के कोलों अपील की है कि इस मामले उत्ते बनती कार्रवाई जी फौरी तौर के उत्ते की जाए। हुण सिचुएशन यह है कि कांग्रेस लीडर जिहड़े है वह विरसा सिंह बलटोहा के खिलाफ चिट्ठिया लिख चुके हैं, हुण की इन चिट्ठिया के उत्ते कोई एक्शन होगा, यदि अगली लड़ी आके उत्थे खड़ती है जदों इस मामले संबंधी। यह तो हुण क्लीयर हो गया कि आउंदे समय में हो सकता है कि कोई वड्डा धमाका हो जाए, पर विरसा सिंह बलटोहा ने जिहड़े बयान दिते ने उन्हां आधार दे उत्ते उन्होंने साफ कह दिता कि उन्होंने कभी भी जाति सूचक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो यह भी नहीं श्योर हैगा कि जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की जात कि है या फिर वो कि जात बिलोंग करते तल्लुक रखते हैं, हालांकि सिख परंपरा दे विच मर्यादा दे विच जात का कोई लैण देण ही नहीं है। आम तौर दे उत्ते आम गलबात विच भी कहा जाता है कि सिख पंथ जो थापिया गया जो खालसा पंथ थापिया गया उदों सिख नूं जात तो रहत कर दिता गया, उहदे नां दे पिछे सिंघ ला के जात तो मुक्त कर दिता गया सी। और इसे गल का हवाला अपने बयान दे विच विरसा सिंह बलटोहा ने भी लिया और इसे बयान का हवाला चर्चावां विच भी लिया जा रहा है जो पंथक पद्धर दे उत्ते चर्चावां चल रही ने। हुण सवाल यह है कि इस मामले संबंधी विरसा सिंह बलटोहा की सफाई के बावजूद भी कि कोई एक्शन किया जाएगा या कि कोई लीगल एक्शन होंद में आएगा, जिस तरह के लीगल एक्शन की मांग कांग्रेस के सीनियर लीडर करते पे ने कि कुछ होगा या नहीं होगा, थोड़ा की लगता विचार कमेंट्स में दसना ना भुलना और तक भी बने रहो वन इंडिया पंजाबी।